try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who deceive. फ्रेग्रेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, इतनी गंदी स्मेल आती है, ऐसा लगता है किसी ने गटर का ढक्कन खोल दिया, वो भी गली मोहल्ले के गटर का ढक्कन। एक हफ्ते तक आप इजीली हेयर फ्री चिकनी चमेली बन के घूम सकते। Hey guys, assalamu alaikum, it's me Alina Umar, welcome back to my channel. Thumbnail से तो आप लोगों ने देख ही लिया कि आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मेंस हेयर रिमूविंग स्प्रे के ऊपर। लास्ट टाइम जब मैंने ये वीडियो बनाई थी उमर के ऊपर ट्राई की थी और जो भी फौरन इंस्टेंट रिजल्ट्स आए थे, एक्सपीरियंस रहा था, हम लोगों ने आपके साथ शेयर कर दिया। उसके बाद हम लोग आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस नहीं बता सके। सो मुझे काफी जो है ना इस वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे थे, गर्ल्स के भी बॉयज के भी, कि कोई परमानेंट हेयर सोल्यूशन बताएं, क्या इस स्प्रे से परमानेंट हेयर जो है वो रिमूव हो जाते हैं और इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कहाँ से बाय की है, ये है वो है एवरीथिंग। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारा इसके बारे में बता दूं। ठीक, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये थी वो हेयर रिमूविंग स्प्रे जो कि मैंने यूज की थी, इसका नाम है वेलशी हेयर रिमूवर स्प्रे। अच्छा, लिखा वेलशी है बट ये बॉयज भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसकी ज्यादातर पिक्चर्स जो हैं वो यही देखी हैं कि बॉयज ने ही इसको अपनी चेस्ट और बाजू पे यूज किया है। सो सिर्फ 3 मिनट्स के अंदर अंदर इंस्टेंट रिजल्ट देती है और इन्होंने साफ लफ्जों में लिखा हुआ है डोंट यूज ऑन योर फेस। ठीक है, फेस के ऊपर यूज नहीं करना और अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको शेक कर लेना है। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। लेट मी चेक द इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स में है पैराफिन ऑयल, ग्लिसरीन, पीजी ऑयल और बेरियम सल्फेट, एक्वा फ्रेग्रेंस, लेमन एक्सट्रैक्ट, कैल्शियम ऑक्साइड। फ्रेग्रेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, इतनी गंदी स्मेल आती है, ऐसा लगता है किसी ने गटर का ढक्कन खोल दिया, वो भी गली मोहल्ले के गटर का ढक्कन, ऐसी स्मेल है इसकी। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि जब उमर ने ये लगाई थी तो आप लोगों ने ये भी पूछा कि कितनी देर बाद बाल आए थे। इससे वही होता है जब जैसे वीट हेयर रिमूविंग क्रीम गर्ल्स यूज करती हैं हाथों पे या कहीं भी, तो उनको जिस तरह से बाल आते हैं इसी तरह से आते हैं। ठीक है, लेकिन यह कि इससे बाल मोटे नहीं आते, जिस तरह से आपके बाल होते हैं उसी तरह से ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक आपके बाल अगर मोटे हैं तो पतले आना शुरू हो जाए, पतले हैं तो मोटे आना शुरू हो जाए। ठीक है, और टाइम थोड़ा सा लेती है, एक हफ्ता लगता है बालों के आने में। एक हफ्ते तक आप इजिली हेयर फ्री चिकनी चमेली बन के घूम सकते हैं। सो चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज हों। सेकेंड क्वेश्चन, क्या इस हेयर रिमूविंग स्प्रे से स्किन बर्न हुई थी? बिल्कुल भी नहीं, इसे कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं आती, कोई बर्निंग फीलिंग नहीं आती, बस स्मेल बहुत गंदी आती है कि लाइक जितनी देर तक 3 मिनट तक आपने अपने जहां भी जिस हिस्से पे भी अप्लाई किया वो आपके दिमाग में चढ़ती रहती है और इतनी कोई बुरी स्मेल है कि मतलब एक बहुत ही जिगर वाला बंदा इस स्मेल को बर्दाश्त कर सकता है, मैं तो यही कहूंगी। सो मैं तो अभी इसको खोलने की भी हिम्मत नहीं कर सकती, वो तो उमर पे अप्लाई करनी थी तो खोलनी पड़गी। सो मैं बिल्कुल भी इसको खोलूंगी नहीं। अच्छा, और थर्ड क्वेश्चन था कि बाल जो हैं परमानेंट रिमूव होते हैं? जी नहीं, मैं बता चुकी हूँ बाल परमानेंट रिमूव नहीं होते। एक क्वेश्चन मुझे कल आया था या सुबह आया था कि भाई अब कैसे हैं, उन्होंने ये अप्लाई की थी तो उन्होंने बॉम तो नहीं लगाया था। तो मतलब क्या आंसर दूं मैं इस क्वेश्चन का, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि लाइक भाई ठीक है, ये लगाने के बाद ठीक है नहीं ठीक, क्रीम है कोई बॉम्ब तो नहीं है, सॉरी ये स्प्रे है कोई बॉम्ब तो नहीं है कि आप लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि लाइक लगाने के बाद वो ठीक थे, क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ। सो हाँ, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। जेंट्स अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पे, फेस पे यूज नहीं करना, लेडीज भी इसको बॉडी के किसी भी पार्ट पे यूज कर सकती हैं, प्राइवेट एरियाज पे मत यूज करें। गर्ल्स को मैं कह रही हूँ प्रॉब्लम हो सकती है। सो दूसरी बात ये कि 3 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों के बाल बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाते हैं। जस्ट आपने स्प्रे करनी है, 3 मिनट तक छोड़ देना है, उसके बाद आपने टिश्यू पेपर से या कोई भी गंदा कपड़ा लेके, ना गंदा मीन्स गंदा नहीं कि डस्टिंग की और कपड़ा उठा लिया, मतलब एक फालतू कपड़ा लेके जो आपके इस्तेमाल में ना हो, उससे आपने इस तरह से साफ कर देना है। ठीक है, आराम से ही आपके बाल जो है वो उतर जाएंगे। सो ये इसका तरीका है। और ये कहां से मिलती है ये क्वेश्चन, daraz.pk से मिलेगी आपको 130 रुपए से लेके 170 रुपए तक के बीच में। ठीक है, यानी 170 इसकी लिमिट है मैक्सिमम और मिनिमम 130। ठीक है, daraz.pk से आपको मिल जाएगी, आपने बस लिखना है वेलशी हेयर रिमूवर स्प्रे। और क्या क्वेश्चन है आप लोगों का, दी बेस्ट है, 3 मिनट में बाल साफ हो जाते हैं, ले आए यही यूज करें। एक जो कंसर्न आप लोग बहुत ज्यादा शो करते हैं गर्ल्स एंड बॉयज, वो कान खोल के सुन लें
कि लेडीज हैं या जेंट्स हैं उन लोगों के परमानेंट हेयर रिमूव नहीं हो सकते। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस लेजर वगैरह करवाते हैं तो आप लोगों को एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, उस लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर आपके हेयर नहीं आते। जिनको हार्मोनल इश्यू होता है उनके लिमिटेड टाइम से पहले ही हेयर आना शुरू हो जाते हैं और कुछ के उसके बाद आते हैं। सो ये है कि लेजर भी आप लोगों को 6 महीने साल बाद करवाना पड़ता है फॉर परमानेंट हेयर रिमूव। परमानेंट मीन्स 1 साल के लिए और 6 महीने के लिए, ठीक है। बीच में आपको यूज नहीं करनी पड़ती कोई भी हेयर रिमूविंग स्प्रे क्रीम और एनीथिंग, यू नो। शकल शरीफ दिखा दूं कि कल जो मैंने फेशियल किया था उसके बाद मेरी स्किन बहुत ज्यादा नीट हो गया, मेरे जो पिंपल्स हैं वो भी खत्म हो गया। यू कैन सी यहां पे मेरा पिंपल था खत्म हो गया और मैं विदाउट मेकअप आई हूं आप लोगों के सामने ताकि आप लोगों को मैं कल का रिजल्ट बता दूं और आप लोगों को ये बता दूं कि सलोन्स में यूज किए जाने वाले फेशियल से बेटर है कि आप लोग इस तरह के अच्छी कंपनीज के फेशियल घर में लाएं, बजट फ्रेंडली भी है और अपनी स्किन को तबाह होने से बचा लें। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आपने इतनी जोर से रगड़ लिया, दर्द हो रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज। किसी की बातों में मत आया करें कि लोग आपको कहते हैं कि फलाना पानी इस्तेमाल करें और फलाना सीरम इस्तेमाल करें, फलाना लोशन इस्तेमाल करें तो सारी जिंदगी बाल नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता भाई, उनके अपने भी बाल होते हैं जो लोग आप लोगों को मशवरे दे रहे होते हैं। ऐसे लोगों से बचें। बाय बाय।